वोट अवाम का हक है। हकूमतें बनेंगी तो अवाम की मर्जी से बनेंगी, कोई कितना ही ताकतवर क्यों ना हो। मैं उन ताकतवरों को बताना चाहता हूं कि आपको अपनी ताकत का नशा होगा, लेकिन हमारे पास कौमी गैरत और हमीयत मौजूद है। हम तुम्हारी ताकत को जूते के नोक पर रखते हैं और अलल ऐलान कहते हैं कि हम दुनिया में भी और पाकिस्तान में भी किसी ताकतवर की गुलामी को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। ये नहीं हो सकता कि तुम आवाम के हक से मजाक करते रहो, आम शहरी का मजाक उड़ाते रहो और अपने बड़े बड़े महल्लात में टांग पे टांग डालकर ये कहते रहो कि इनकी क्या हैसियत है, इनके वोट की क्या हैसियत है। आज ये जलसा आपको बता रहा है कि उनके वोट की हैसियत क्या है। इन असम्बलियों को हम इस्टेब्लिशमेंट की असम्बलियाँ कहते हैं, ये अवाम की नुमाइंदा नहीं और न हम इनको अवाम का नुमाइंदा इदारा तस्लीम करने को तैयार है। अगर जेल आए तो भरेंगे और जेल से आगे अगर कब्र का मरहला आएगा तो उस मरहले को भी इंतहाई खंदा पेशानी के साथ कबूल करेंगे। हम पार्लियामेंट को अवाम का नुमाइंदा इदारा समझते हैं, लेकिन उसमें अवाम के नुमाइंदे होने चाहिए, उसमें जासूसी इदारों के नुमाइंदे नहीं होने चाहिए। हम फौज का एहतराम करना चाहते हैं, वो हमारी दिफाई कुव्वत है, लेकिन हर फौजी ने हल्फ उठाया है, जब वो फौज में भर्ती होता है उसकी कमीशन होती है तो वो हल्फ उठाता है कि मैं सियासत में कोई हिस्सा नहीं लूँगा, मैं सियासत से लाताल्लुक रहूँगा। आज सियासत पर उनका कब्जा है। जब आप अपना हल्फ तोड़ेंगे तो मैं अलल ऐलान कहता हूँ कि हल्फ तोड़ने के बाद फिर तुम फौजी नहीं रहे, फिर तुम्हारा एहतराम मेरे ऊपर लाजिम नहीं रहा। मेरे मोहतरम दोस्तों, शायद तुम्हें घमंड हो कि तुम्हारी पुश्त पर अमरीका है, शायद तुम्हें घमंड हो कि आलमी कुव्वत को अपने कठपुतली चाहिए और हमने कठपुतली हुकूमत बना ली है। मैं वाज़ह कर देना चाहता हूँ कि जिन पर तुम्हें घमंड है, परसों अफगानिस्तान से तुम दबाकर भागा है। अगर अफगान कौम उनको भगा सकती है अपनी सरजमीन से, तो पाकिस्तानी कौम भी उनको अपनी सरजमीन से भगा सकती है। इस मुल्क को बनाने में आपका कोई किरदार नहीं है, हाँ इस मुल्क को तोड़ने में तुम्हारा किरदार हो सकता है। तारीख को ठीक कराना चाहता हूँ, जरा तारीख के औराक को पलटिए और इन इज्तिमाआत को रिवायती इज्तिमा मत समझिए। ये लोग सिर्फ एक जलसा करने के लिए इकट्ठे नहीं हुए, ये इनकलाबी जज्बे के साथ इकट्ठा हैं और सियासी मैदान में आपका मुकाबला करना चाहते हैं, और सियासी मैदान में आपका मुकाबला करना जानते भी। हालात को वहाँ तक मत ले जाओ कि जहाँ तुम भी वापस ना आ सको और हम भी वापस ना आ सको। ये मुल्क हमारा है, ये मुल्क वोट का मुल्क है, ये मुल्क बूट का मुल्क नहीं है। एक जमाना था जनरल मुशर्रफ पाकिस्तान के डिक्टेटर थे, एक दफा मुझे कहने लगे कि मौलाना साहब मान जाओ ना, अमेरिका आका है, हम उनके गुलाम हैं ना। मैंने कहा जनरल साहब ये तो मैं मानता हूँ कि अमेरिका आका है, लेकिन किरदार दो हैं, एक तेरे आबाओ अजदाद का किरदार जिसने आका के सामने सजदा किया, और एक मेरे आबाओ अजदाद हैं जिन्होंने इनकी खुदाई और आकाइयत का इनकार करके अपने सर तो कटवा दिए लेकिन झुकने के लिए तैयार न हुए। तुझे अपने आबाओ अजदाद की तारीख मुबारक, मुझे अपने अकाबर असलाफ की तारीख मुबारक। अंग्रेज से आज़ादी तुमने हासिल नहीं की, जिस आज़ादी पर तुम इतरा रहे हो
ये तुम्हारी अय्याशियों के नतीजे में नहीं मिली, ये अंग्रेजों की गुलामी में नहीं मिली। 150 साल से ज्यादा अरसा मेरे अकाबर और असलाफ का खून बहता रहा, उनके सर कटते रहे, वो सूलियों चढ़ते रहे, तब तुम्हें आज का दिन अंजाम में मिला है और नतीजे में मिला है, वरना तुमने तो हमें गुलाम बना रखा है। सो अगर हम 100 साल अंग्रेज से लड़ सकते हैं तो अंग्रेज के बचूंगड़ों से भी लड़ सकते हैं। एक आपको थोड़ा सा हौसले की जरूरत हो, हिम्मत नहीं हारनी। पार्लियामेंट की तरफ मत देखो कि वहां कितने लोग बैठे हैं और कितने नहीं, इस मैदान में देखो कौन बैठा है और कितने बैठे हैं। मेरे मोहतरम दोस्तों, जो मुल्क हमने ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर हासिल किया, यही एक ही कुव्वत है पाकिस्तान में जो ला इलाहा इल्लल्लाह के सामने रुकावट है, जिसने 75 साल में इस मुल्क को इस्लामी मुल्क बनाने में सियासतदानों के किरदार का रास्ता रोका है, जिन्होंने सिर्फ इसीलिए अपनी मर्जी के पार्लियामेंट बनाए हैं और अपनी मर्जी के लोगों से पार्लियामेंट को भर देते हैं कि उनको कुरान और सुन्नत से कोई दिलचस्पी ही नहीं। अगर ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ 75 साल तक हमने ये खिलवाड़ किया है तो आप बताएं कि कोई खुदा के सामने भी पेश होने का आपका ईमान है? तुमने इस्लाम से गद्दारी। आज भी सुप्रीम कोर्ट में यही मुकदमा चल रहा है कि पाकिस्तान में कादियानी हो, जो भी हो, खुले बंदों उनको अपने अकायद के प्रचार करने की इजाज़त है। हमने इस फैसले को चैलेंज किया। अगर एक शख्स हलाल रोजी कमाना चाहता है लेकिन जरिए माश कहता है मेरी मर्जी है, मैं हीरोइन बेचकर अपनी रोजी बना सकता हूँ, क्या आप उसको इजाज़त देंगे? तो ये पाकिस्तान में इस्लाम के लिए हीरोइनों की हुकूमत क्यों है? तुमने जमहूरियत का बेड़ा गर्क किया। कायद आजम ने कहा इस मुल्क में जमहूरियत होगी, लेकिन जनरल अय्यूब खान से लेकर आज तक हम पर जनरल ही हुकूमत कर रहा है। जमहूरियत का जनाजा निकाल दिया है, जहां जमहूरियत नाम की कोई चीज नहीं। और मैं तजर्बा रखता हूं पार्लियामेंट का, क्या कानून साजी पार्लियामेंट के अरकान मर्जी से कर सकते हैं? क्या तुम्हारी इजाजत के बगैर कोई एक कानून साजी हो सकती है? पार्लियामेंट को गुलाम बना रखा है। मईशत का हाल देख लो, 75 साल से हमारी मईशत गिरती चली जा रही है, कौमें तरक्की कर रही हैं, चीन कहाँ खड़ा है, हिंदुस्तान कहाँ खड़ा है, मलेशिया इंडोनेशिया कहाँ खड़े हैं? 2 साल हुए अमरीकियों से आज़ादी के बाद, अफगानिस्तान भी आपसे माशी लिहाज से आगे है और हम गिरते जा रहे हैं। इसका माना यह है कि पाकिस्तानी मईशत के मालिक अवाम नहीं हैं, मखसूस घराने हैं, मखसूस तबके हैं, मखसूस इदारे हैं जो मुल्क की माश पर अय्याशी कर रहे हैं, लेकिन गरीब आदमी वो एक लुकमे रोटी के लिए तरस रहा है।